कैसे करते हैं देखो, गौर से सुनना। जैसे मैंने आपको एक
एग्जांपल दे रहा हूं, देखिएगा तीसरा कैसे पद कैसे निकल के आता है, सुनिएगा। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर आशुतोष, तो ये तो कहलाएगा तुम्हारा सामासिक पद। क्या कहलाएगा? ये सामासिक पद। और इसी को कहेंगे क्या? समस्त पद। ध्यान रख लेना। और जब इसका विग्रह होगा तो उसको कहेंगे समास विग्रह या सामासिक विग्रह। ठीक है, अब देखिएगा आशुतोष का क्या होगा। आशु यानी होता है शीघ्र और तोष यानी होता है प्रसन्न। अब होने बाला, मैंने कहा ना बाला, अर्थात कौन है जो सबसे जल्दी प्रसन्न होता है, वो है आपका सिर। कौन है? सिर। शंकर भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं तो उसको आशुतोष नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी देखो आशुतोष का अलग ही अन्यर्थ निकल के आया सिर। देखिएगा आगे अगला क्या कहेंगे। अगले में देखो आप कि लंबोदर, अब इसका करेंगे विग्रह तो क्या होगा, लंबा है उदर जिसका, अर्थात किसका है, अन्य अर्थात कौन है वो, गणेश। कौन है साहब जी? गणेश। और देखो आप यहां पर देखिएगा रघुनंदन, रघु का नंदन है जो, अर्थात श्री राम। कौन है? श्री राम। ये भी आपका पता चल गया साहब जी। पशुपति, तो मैंने बताया था पति आते ही आप दिमाग में लगा सकते हो, या नंदन आके भी दिमाग में लगा सकते हो, यानी पशुओं का पति। पति यानी कहते हैं स्वामी है जो, कौन कौन है? शिव। पशुओं का स्वामी कोई है, शिव, आपको ध्यान रखना है। भूतेश, तो भूतों का स्वामी कौन, वो भी शिव है, ध्यान रखना इसका बिल्कुल विशेष रूप से। और जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे उतने ही आप परफेक्ट पारंगत होंगे, विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो यहां पर ध्यान रखना है, मैंने बताया जिस समास के अंदर दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है वहां बहुव्रीय समास होता है, यानी विशेष रूप से ध्यान रखना, इसमें अन्य अर्थ निकलेंगे। पहचान की ट्रिक भी मैंने आपको बताई, आप विशेष रूप से उनका ध्यान रखें। ठीक।